हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण है। ये मेरा न्यू वीडियो और ये फर्स्ट वीडियो भी डबल ई फ्रेंड्स मेरा चैनल। आपको मेरे चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और कुछ समझ में नहीं आया नीचे कमेंट करके बता दीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स। आज मैं एटम्स के बारे में बात करने वाला हूँ। डबल ई मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जो भी वीडियो आपको इसमें मिलते रहेगा। ओके, एटम मतलब क्या है? जो अनब्रेकेबल होता है, जितने भी पीसेस अभी पेपर लोगे, जितना फाड़ सकते हो फाड़ सकते हो, जितना फाड़ोगे उतना वो टुकड़ा होएगा। जो लास्ट क्वेश्चन होता है जो फटता ही नहीं, उसको वो जो चीज़ होता है उसको एटम बोला जाता है। अभी यहाँ मैं इलेक्ट्रिकल रिलेटेड एटम के बारे में बात करने वाला हूँ। ये होता है न्यूक्लियस। ये एक एटम के अंदर ये दिख रहा है आपको, एक छोटा सा एलिमेंट होता है। एक एटम के अंदर तीन चार एलिमेंट ऐसा रहता है, उसमें से पहला एलिमेंट होता है न्यूक्लियस, प्रोटॉन और एंड न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन जो रहता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और रिंग जो है जो आपको जो दिख रहा है ये ऑर्बिट कहलाया जाता है, और ये जो बाजू का जो भी दिख रहा है आपको शेल, छोटा छोटा एलिमेंट्स जो दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन माना जाता है। और ये बाजू में आपको मैं ये जो मेंशन किया हूँ ये फ्री और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यानी ये ऑर्बिट के अंदर नहीं रहता है, ये ऐसे फ्री बाहर घूमता है। एक रेंज के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहता है ऐसे वो फ्री बाहर ही घूमता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, यानी वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा थोड़ा निकल जाती है अपने आप से, तो ये पूरा जो सेक्शन होता है ये पूरा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। अभी जब अपन एक सप्लाई देते हैं बाहर से, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, इधर आके ये जगह कब्जा कर लेता है। एक फोर्स मिलता है इनको, ये फोर्स को ही क्या, यानी वो जो फोर्स होता है वो फोर्स के वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ आके अपना जगह कब्जा कर लेता है, एक एक जगह अपने आप आके कब्जा कर लेता है। तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, और बाकी का जो भी है मैं आपको वीडियो के अंदर जो भी एक्सप्लेनेशन है वो मैं क्लियरली दिया हूँ, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।